Hello, good morning, India. Monday to Friday, back-to-back classes, live from studio. आज ही subscribe करें Wi-Fi Study channel को. और अच्छे video और courses के लिए description में दिए गए link के द्वारा भी आप हमें Academy पर follow कर सकते हैं. Good morning everyone. Welcome to Wi-Fi Study, changing the way of learning. तो ALB CBT-2 और RPF की आपकी जनरल अवेयरनेस की ये क्लास होने वाली है. तो अभी यहाँ पे कई सारे बच्चों को मुझसे साइंस पढ़ने की आदत है, तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा हम देखेंगे आपकी जो क्लासेस हैं जनरल अवेयरनेस की चलेंगी. और मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ क्लास से पहले कि ये क्लासेस जैसे आपकी रीजनिंग की, मैथ्स की और उसके अलावा करंट अफेयर की जो क्लास हुई है उसी का ये चौथा पार्ट यहाँ पे होने वाला है. और आपकी ये क्लास CBT-2 को फोकस करेगी और बेसिकली मेनली RPF को फोकस करेगी. जैसे कि सर ने आपको बताया है कि RPF के लिए ज़्यादा ये क्लास होगी आपकी. CBT-2 का सिचुएशन क्या रहता है, RPF का सिलेबस क्या है, कितने क्वेश्चंस आपको जनरल अवेयरनेस से पूछे जाएंगे, वेटेज क्या रहेगी पूरे एग्जाम की आपकी, तो ये आज की इंट्रोडक्शन क्लास है. जिसमें एक तो पहली चीज तो ये कि यहाँ पे कई सारे बच्चे हैं जिनको क्वेश्चंस का नंबर नहीं पता होगा कि कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाने वाले हैं, एक पार्ट ये. दूसरा यहाँ पे सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि बेसिकली जनरल साइंस से हटके अगर ये जनरल अवेयरनेस मैंने बोला है तो ये क्या रहने वाला है. तीसरा, कितना अटेम्प्ट करना है, कितने क्वेश्चंस आपको किस एरिया से पूछे जाएंगे, ये सारी चीज़ें जो है ना वो यहाँ पे हम करने वाले हैं. देखो, स्टार्ट अगर करते हैं तो CBT-2 की मैं आपको पहले ही बात बता देती हूँ. CBT-2 का जो आपका पेपर है उसमें 100 क्वेश्चन टोटल आपको पूछे जाएंगे, ठीक है. टोटल क्वेश्चंस का नंबर कितना है CBT-2 में, वो 100 क्वेश्चंस का है, राइट. अब इसमें से करंट अफेयर जो है वो ज़्यादातर जो आपकी चीज़ें आएंगी, जैसे कि आपका ये हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ हो गया, ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको CBT-2 में 100 क्वेश्चंस में से ही 20 या 25 लगभग जो क्वेश्चन है वो आएंगे. लेकिन मेन डिफरेंस ये रहने वाला है कि CBT-2 के जो क्वेश्चन होंगे वो आपके फोकस करेंगे यहाँ पे किस चीज़ के ऊपर, थोड़ा सा करंट अफेयर के ऊपर. मतलब डे टू डे में क्या चल रहा है ना, जैसे कि सर ने बोला आपको इलेक्शंस आने वाले हैं, तो एक क्वेश्चन इलेक्शन का 101% होने वाला है. थोड़े सी भी जो लोग अवेयर करके चीज़ों को पढ़ते हैं उनको पता होगा कि आगे जो भी एग्जाम होंगे XYZ, आगे आप ये समझ लीजिए आगे 4-5 महीने में जो भी एग्जाम्स होंगे CBT-2 की अगर हम बात करते हैं या कुछ भी एग्जाम की, तो एक क्वेश्चन आपको इलेक्शन से आना ही आना है, तो ये पॉलिटी हो गया. तो ये तो हाल है आपका CBT-2 का, ठीक है. अब यहाँ पे अगर हम RPF को थोड़ा सा कवर करते हैं तो सबसे पहले ना मैं आपको RPF का सिलेबस दिखा देती हूँ. RPF में आपको 120 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, RPF के पेपर में, जो कि 19 दिसंबर जो आपको डेट दी गई है, तो 19 दिसंबर में आपको 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से आपके 35 क्वेश्चन जो है ना वो रीजनिंग के हैं, सर ने आपको बताया है, 35 क्वेश्चन आपके मैथ्स के हैं, ये भी आपको साहिल सर ने बता ही दिया है, 50 क्वेश्चन आपको जनरल अवेयरनेस के पूछे जाएंगे. ये यहाँ पे वेटेज थोड़ी सी ज़्यादा है ना, 50 क्वेश्चन आपको जनरल अवेयरनेस के पूछे जाएंगे सीधा सीधा. जिन 50 क्वेश्चन में से किस सेक्शन से क्या आना है, कितना आपका वेटेज किस चीज़ का है, ये मैं डिस्कस कर रही हूँ. पहले एक बार आप सिलेबस देखो क्या रहेगा. सर पहली स्लाइड सिलेबस वाली, ग्रुप डी का एनालिसिस प्रशांत बंद नहीं किया है, आज पेपर है नहीं ग्रुप डी का, लेकिन स्टिल जितना पीछे हो चुका है उसको ट्राई करेंगे, जो एक दो पेपर अभी दिवाली के बाद हुए हैं उनको कवर करने का.
आज ग्रुप डी का कोई पेपर नहीं है, ग्रुप डी का एनालिसिस बंद नहीं हुआ है, वो आपका कंटिन्यूअस होगा। इनफैक्ट उसको एनालिसिस को और बेहतरीन तरीके से किया जाएगा ताकि जिनके आगे एग्जाम है ना उनको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ग्रुप डी का हम उस तरीके से पूरा कवर, देखो ग्रुप डी वाले जो बच्चे हैं ना उनकी जनरल साइंस के हर एक टॉपिक को 3 या 4 बार कंप्लीट करा दिया है, ऐसी मैथ्स और रीजनिंग का सिचुएशन है, सारे टॉपिक 3 या 4 बार कंप्लीट करा दिए थे। तो स्क्रीन पे लगाना सर, ठीक है। बाकी जो है वो आपकी एनालिसिस की जहाँ तक बात है वो डेली चलेगा। आज ग्रुप डी वाले बच्चों को पता होगा कि उनका पेपर नहीं है, तो लेकिन फिर भी हम सारे क्वेश्चन जो है ना वो करेंगे, ठीक है। कल जैसे कल आपका एग्जाम है तो वो आपका पूरा एनालिसिस चलेगा। स्क्रीन पे आपको यहाँ पे सिलेबस दिखाई दे रहा है, ये सिलेबस आपका आरपीएफ का सिलेबस है पूरा, जिसमें कि पहला पॉइंट देखिए कल्चर लिखा हुआ है, दूसरा यहाँ पे नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स है, तो वो तो आपकी करंट अफेयर की डेली क्लास चलेगी है ना, उसमें CVT2 और RPF दोनों पोर्शन जो है वो कवर हो जाएंगे। तीसरा पोर्शन जो इसमें हिस्ट्री का लिखा है ना, उससे किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे इस क्लास के एंड में, मैं आपको 10 से 12 क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, जिसमें आपको यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो आने वाले हैं। देखो हिस्ट्री है तो हिस्ट्री आपको इस तरीके की पूछी जाएगी कि फादर ऑफ अशोका कौन है, या फिर स्लेव डायनेस्टी का पहला रूलर कौन सा है, स्लेव डायनेस्टी का आखिरी रूलर कौन सा है, ये सारे क्वेश्चन आपको हिस्ट्री में कवर किए जाएंगे। बात दूसरी आपकी पॉलिटी की, ठीक है, यहाँ पे आपको इंडियन पॉलिटी करके मेंशन किया हुआ है, इंडियन पॉलिटी जो कि आपका है यहाँ पे हम रिलेट करेंगे अगर, तो इंडियन पॉलिटी में आपको सारे क्वेश्चन प्रेसिडेंट के पावर क्या होती हैं, प्राइम मिनिस्टर की पावर क्या होती हैं, राइट, प्रेसिडेंट का पावर, प्राइम मिनिस्टर का पावर, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का पावर, सुप्रीम कोर्ट से जो पूरी जजमेंट दी जाती है उसमें क्या आपका रहता है, ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस में। अब एक सिंपल सा टॉपिक है, मैं आपको बताती हूँ, पॉलिटी में एक टॉपिक है जिसमें रिट्स हम पढ़ते हैं, ठीक है, रिट्स पढ़े जाते हैं, उसमें क्यू वरंटो, मैंडमस, सर्टोरी, व्हाट इज योर अथॉरिटी, या फिर प्रेसिडेंट का इसके ऊपर क्या राइट है, राज्यसभा और लोकसभा क्या रहते हैं, अपर हाउस या लोअर हाउस हम किसे कहते हैं, राज्यसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, ये सिंपल बेसिक क्वेश्चन आपको पॉलिटी से पूछे जाते हैं। तो ये पॉलिटी में आपको मैं कवर कराने वाली हूँ, हिस्ट्री का बेसिक मैं आपको कवर कराने वाली हूँ। अब यहाँ पे देखिए ज्योग्राफी से सिंपल क्वेश्चन आएंगे, रिवर्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, सबसे बड़ा सर्कल कौन सा है, सबसे बड़ा हमारा यहाँ पे कॉन्टिनेंट कौन सा है, सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, सबसे पॉपुलेशन के वाइज अगर हम बात करते हैं, सेक्स रेशियो के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। इकोनॉमी और बैंकिंग से बहुत सिंपल क्वेश्चन आपको आएंगे। अब यहाँ पे तो थोड़ी सी मैं आपको बात करती हूँ, जैसे कंट्रीज एंड कैपिटल, ठीक है, एक सिंपल सा टॉपिक है ये, जो जितनी भी हमारी कंट्रीज हैं, अब यहाँ पे जरा बताइए आप लोग टोटल कितनी कंट्रीज हम बोलते हैं कि अवेलेबल हैं, तकरीबन 204 कंट्री हमारे पूरे वर्ल्ड में हैं, 204 है ना, थोड़ी सी प्लस माइनस होती रहती है, लेकिन यूनाइटेड नेशन के हिसाब से 204 कंट्रीज हैं। उन सारी कंट्रीज की कैपिटल मैं आपको लर्न कराऊंगी, उन कंट्रीज में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर्स बहती हैं, जैसे कि आपको पता है गंगा के किनारे इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो अलाहाबाद है, कानपुर है, यमुना के किनारे आगरा शहर जो है वो बसा हुआ है, इस तरीके के क्वेश्चन वर्ल्ड से पूछे जाते हैं कि राइने है, इनके ऊपर कौन सी कंट्री, इनके ऊपर कौन सी सिटीज बसी हुई हैं, ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी। तो ये जो सारी कंट्रीज हैं, कैपिटल्स हैं, रिवर्स हैं, इससे एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, हर बार आपको पूछा जाता है, तो ये जो है ना मैं आपको कराने लगूंगी यहाँ पे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो 15th आपका लिखा है वो पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स से 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, मिसलेनियस मैं बोल सकती हूँ, और एक चीज इसमें मैं और ऐड करना चाहती हूँ, टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी के ऊपर ना हर बार एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपको ना इसमें रेलवे CVT-2 या RPF में पूछा जाता है। अब आप बोलोगे टेक्नोलॉजी क्या है यहाँ पे, तो मैकबुक है, पीसी जो एप्पल निकाल रहा है यहाँ पे,
एप्पल मैकबुक्स निकालता है, मैक वॉचेस निकालता है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन मैं आपको शो करूंगी। तो ये टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको क्वेश्चन जो है ना वो पूछा जा रहा है, कवर किया जा रहा है यहाँ पे, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब यहाँ पे ना मेन चीज पे आ जाते हैं थोड़ा सा, ये तो मैंने आपको बाकी सारी चीजें बता दी। सबसे ज्यादा इसमें वेटेज पॉलिटी की रहती है, 10 से 11 क्वेश्चन जो है ना वो आपको पॉलिटी के आएंगे। तो 50 में से 10 से 11 क्वेश्चन, 10 से 12 लिख सकते हैं, 11 नहीं, इतना नहीं प्रिसाइज होते, 10 से 12 क्वेश्चन जो है वो तो आएंगे आपको पॉलिटी के, 4 से 5 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे हिस्ट्री के, 3 या 2 क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक्स के, ज्योग्राफी के आपको 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, रिवर्स कंट्रीज और कैपिटल के ऊपर 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपका जो बचा, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है NDC, उसका हेड कौन है, नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है, नीति आयोग को कौन हेड करता है। अब देखो मैक्सिमम चीजें क्या होती हैं, जिन लोगों को यहाँ पे थोड़ी सी नॉलेज है, साइंस पे मैं भी आ रही हूँ, साइंस में एंड में देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो साइंस थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको चीजें बताऊंगी, तो पहले बाकी चीजें मैं बता देती हूँ। जैसे ऑर्गेनाइजेशंस की बात करिए तो ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड होते हैं ना वो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, ठीक है। अब आपको एग्जाम में ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन पूछी जाती है जिसके हेड प्राइम मिनिस्टर नहीं है, जैसे नीति आयोग के हेड हैं लेकिन उसका CEO कोई और होता है, बदलते रहते हैं आपके, NDC हो गया, प्लानिंग कमीशन हो गया, इन सब के आपको हेड पूछे जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन पूछी जाएगी, ये सारे क्वेश्चन। अब यहाँ पे एंड वाली चीज़ों पे हम आते हैं, जनरल साइंस, ठीक है। साइंस की वेटेज सबसे ज़्यादा होती है इन 50 में से, लगभग 15 से 18 क्वेश्चन आपको साइंस के आएंगे। साइंस के आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इन तीनों चीज, एनवायरनमेंट में फिर से अलग कर रही हूँ, इस साइंस में ना मैंने एनवायरनमेंट नहीं मिला है, एनवायरनमेंट के दो से तीन क्वेश्चन आएंगे आपको, लेकिन वो अलग मैंने रखा है, उसको यहाँ पे इंक्लूड मैं नहीं कर रही हूँ। आपको याद रखना है साइंस के जो आपके क्वेश्चन होंगे वो 15 से 18 क्वेश्चन जो है ना वो आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। RPF जो है वो आपका क्या रहने वाला है, RPF में आपका SI और कांस्टेबल दो वैकेंसीज हैं, जिसमें से कांस्टेबल की 4600 कुछ पोस्ट हैं आपकी, ज़्यादा हैं, SI की थोड़ी सी कम पोस्ट हैं आपकी। तो मेन जो टॉपिक चीज़ें जो रहेंगी वो आपकी इस तरीके से रहेंगी, साइंस की वेटेज सबसे ज़्यादा, फिर से एक बार सुन लीजिए आप, 15 से 18 क्वेश्चन आपको साइंस के पूछे जाएंगे, जनरल साइंस होगी जिसमें, और उसमें कई सारी चीज़ें तो मैंने आपको कवर कराई हैं, लेकिन फिर से हम दोबारा से वो साइंस के जो क्वेश्चंस हैं ना वो करेंगे। उसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जो आपको सिलेबस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स हो गया जो आप करंट अफेयर्स में कंप्लीट करोगे, साइंटिफिक रिसर्च, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर अलग से क्वेश्चंस आता है यहाँ पे, राइट। जनरल पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स हो गया, इंडिया और उसके आसपास की कंट्री, नेबरिंग कंट्री, चाइना के ऊपर, नेपाल के ऊपर, इन सारे जो क्वेश्चंस है ना वहाँ से जो है वो आपको पूछा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे CBT-2 को लेके जो क्लियर है मैं आपको बता देती हूँ, CBT-2 में क्वेश्चंस का नंबर कम रहता है और CBT-1 का है, बिल्कुल आपका जो CBT-1 का जो रिजल्ट आया था वो दोबारा पब्लिश होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि वो कैंसिल हो गया या ऐसा कुछ, वो दोबारा से पब्लिश होगा, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस आप लोग के मार्क्स हो जाएंगे, बाकी कुछ टेंशन नहीं है, राइट। अब ये CBT-2 में आपको कम क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे, वो ज़्यादा ज़्यादा क्या करने वाले हैं, वो आपके करंट अफेयर्स से ज़्यादा रिलेट करेंगे। अब जो क्वेश्चन है मैं आपको बता दे रही हूँ, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ आए कि किस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। RPF में जो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से मैं आपको अभी 10 से 12 क्वेश्चन दिखाने लग रही हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाएँ और लेवल समझ आ जाए। लेवल आगे भी यही रहने वाला है जो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाने लग रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस के साथ शुरू करते हैं ताकि चीज़ें थोड़ी सी आपको समझ आए। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे रिवर्स से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन, ओके राइट। आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखो, मैं अभी आपको क्या बोल रही हूँ, RPF का जनरल साइंस के 15 से 18 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन खाली उनको करने से होगा क्या, नहीं होगा। आपको 50 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, उन 50 में से आपका टारगेट होना चाहिए 30 से 35 क्वेश्चन। देखो एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है, चाहे आप ये कितना भी चीज़ों को, जैसे कि सर ने भी आपको ये चीज़ क्लियर की है,
रीजनिंग के 35 क्वेश्चन और मैथ्स के 35 क्वेश्चन, ये मैक्सिमम बच्चे वहाँ पे कर पा रहे होंगे। जो लोग पढ़ के जाएंगे, ऑब्वियसली वाईफाई स्टडी से पढ़ के जाएंगे, वो तो करके ही आ रहे होंगे। जनरल अवेयरनेस के जो आपके 50 क्वेश्चन आएंगे ना, उन 50 में से अगर आप 30 से 35 क्वेश्चन करके आ जाते हो बिल्कुल करेक्ट, या उन 50 में से आपको 30 से 35 क्वेश्चन साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, पढ़े हुए आपको मिल रहे हैं, तो एग्जाम को क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर इस 30 में जरा भी 20 22 रह गया ना, तो दिक्कत हो जाएगी। इन 50 में से कम 10 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिन 10 में से आपको 5-6 समझ भी नहीं आ रहे होंगे कि ये कहाँ से पूछे हैं या क्या पूछा है, बाकी 3-4 डिफिकल्ट या कंफ्यूजन में चले जाते हैं। मेनली आपको ये टारगेट करना है यहाँ पे कि जनरल अवेयरनेस में आपके 30 से 35 क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ पे ठीक होना चाहिए, तो उसके हिसाब से चीज़ें आपकी जानी चाहिए। ठीक है, समझ आ गई ना इतनी चीज़। अब टारगेट ये रहेगा इन क्लासेस का आगे कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कराए जाएं उस तरीके के जैसे आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्रीवियस ईयर देखने पड़ेंगे। तो आगे की आपकी कुछ क्लासेस जो होने वाली है, 3-4 क्लासेस जो होने वाली हैं, वो आपकी सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की होंगी, ताकि आपको समझ आए कि चीज़ें कैसी पूछी जाती हैं और मेरे को समझ आए कि आपको लेवल पे कहाँ पे रखना है, आप कैसे आंसर दे पा रहे हो या चीज़ें कैसे नहीं समझ पा रहे हो, कौन सी चीज़ समझने में आपको दिक्कत हो रही है। उसके बाद पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक, हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक, ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक, साइंस तो अपना है ही, उसके अलावा जितने भी, जैसे कि मेरा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपको कंट्री के कैपिटल लर्न कराना और उनके सारे इंपॉर्टेंट रिवर्स जो हैं उनको कंप्लीट कराना है यहाँ पे। तो ये सारी चीजों से हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये आरपीएफ का क्वेश्चन है आपका, जो पूछा गया है आपका ईयर एग्जैक्टली 2012। ठीक है, 2012 रेलवे आरपीएफ कॉन्स्टेबल एग्जाम एसआई जो आपका रहता है कॉमन एग्जाम, उसका क्वेश्चन है ये। शहर दिए हुए हैं आपको रॉटरडैम, पेरिस, बुडापेस्ट या वॉशिंगटन, ये आपको 4 यहाँ पे शहर दिए हुए हैं। कौन सी नदी के किनारे ये शहर बसे हुए हैं आपको बताना है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कानपुर इलाहाबाद गंगा किनारे, और आपका ये आगरा जो है वो यमुना किनारे बसा हुआ है, नर्मदा, साबरमती, गुजरात, ऐसे आपको लर्न करना है ये। तो अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से हम यहाँ पे आंसर देखते हैं, तो आप देखिए सबसे पहले आपकी जो रिवर रॉटरडैम दी हुई है वो राइने नदी के किनारे बसी हुई है, पेरिस जो दिया हुआ है ये शीन नदी के किनारे दिया हुआ है, बुडापेस्ट जो दिया है आपका ये बुडापेस्ट डेन्यूवे, और वॉशिंगटन पोटोमैक। तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट ऑप्शन के लिए जाते हैं तो तीसरा जो है ना वो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, अमरजीत गुड्डू, बिल्कुल तीसरा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पे। तो आंसर 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। समझ आ रहा है चीज़ें, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाने हैं आपको, इतना चीज़ क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आज सिर्फ 10-12 क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाए, कल से यहाँ पे चीज़ें पूरा करेंगे। ठीक है, CBT-2 का कुछ डिटेल सिलेबस आपको मेंशन नहीं किया है, आपके नोटिफिकेशन में भी वहाँ पे लिखा हुआ है कि करंट अफेयर्स विद रिस्पेक्ट टू एवरीडे जो आपकी सोसाइटी में हो रहा है, उसके अलावा कुछ बेसिक आपकी जनरल नॉलेज। ठीक है, आरपीएफ का बिल्कुल क्लियरली चीज़ें मेंशन करी हुई हैं, जो सिलेबस मैंने आपको अभी इससे पहले स्क्रीन पे लेके दिखाया वो आपको मेंशन किया हुआ है, जो एक एक पॉइंट मैंने आपको बताया, और टोटल इसमें कितने पॉइंट हैं आपके, 15 पॉइंट इसको आपको सिलेबस में मेंशन करा हुआ है। ठीक है, तो उन 15 में करंट अफेयर्स को छोड़ के जो भुवनेश सर कराने वाले हैं, उसके अलावा बाकी के जो टॉपिक हैं वो मैं आपको टारगेटेड पढ़ाई करवा के कराऊंगी, पहले आपके प्रीवियस ईयर, उसके बाद टारगेटेड स्टडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे जो आपकी स्क्रीन पे अब भी दिखाई देने वाला है। ओके राइट, ये बायो का क्वेश्चन है, तो जनरल साइंस में आपको इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर इन ह्यूमन ओवम, मानव ओवम के अंदर टोटल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं बताइए, 24, 46, 48 या एनओटी, नॉन ऑफ दी अबव। सारी क्लासेस एकता, जितनी भी आपकी टोटल क्लासेस हैं वो इसी में होने वाली है, मतलब ये 12 बजे आपका साइंस और उसके साथ साथ हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सारा चीज़ें चलेगा। टॉपिक उससे पहले ही बता दिया जाएगा, जो भी टॉपिक आपको कराया जाएगा। मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख दे रही हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ आएँ।
सबसे पहले आगे के कुछ दिन सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है ना उनको करने वाले हैं। पिछली साल के जितने भी मुझे आरपीएफ के पेपर मिलेंगे ना वो सारे मैं आपको कराने वाली हूँ। रीजन ये ताकि आपको पता लगे कि अगर आप खुद भी पढ़ने बैठोगे किताब उठा के तो एग्जैक्टली आपको ना कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से स्टार्ट करनी है चीज़ें, कितना लेवल तक उठाना है, वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो पहला पॉइंट रहेगा। उसके बाद जो स्टैटिक वाला पार्ट है ना जिसका कुछ लिंक नहीं है, जैसे कंट्रीज और कैपिटल है, जितनी भी हमारे पूरे वर्ल्ड में कंट्री हैं उनके कैपिटल के साथ और उनमें कौन कौन सी नदियां बहती हैं मेन, वो यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे, दूसरा पॉइंट हो गया। इसके अलावा जितनी जितनी चीज़ें जो रिलेट नहीं कर रही होंगी उनको पहले, उसके बाद यहाँ पे पूरा पार्ट जो है वो स्टार्ट कर लेंगे। संजय हजरा बिल्कुल, अब यहाँ पे जो लोग 46 आंसर देने लग रहे हैं वो बिल्कुल गलत आंसर दे रहे हैं। पहले मैं बता दूं इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, क्वेश्चन सिंपल होंगे लेकिन वो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि आपको आंसर आप वहाँ पे गलत ही टिक करके आने वाले हो। अब मेरे को बताओ जितने लोग यहाँ पे लाइव देख रहे हो इस टाइम, 5034 लोग लाइव देख रहे हैं, इनमें से मुझे नहीं लगता है कि आप में से किसी को भी ये पता नहीं होगा कि एग के अंदर कितने टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं। सबको पता है लेकिन आप ध्यान से आंसर कर ही नहीं रहे हो, जो कि मेन पॉइंट है। अब मैं आपको बताती हूँ, 46 तो टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं ना, है ना, टोटल क्रोमोसोम्स किस सेल, एक सेल के अंदर, एक कोशिका के अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46, राइट। अब 46 वहां पे दिया है लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ओवम में कितने होते हैं, और ये क्वेश्चन आपको कई बार कराया है कि जब भी क्वेश्चन में अंडाजू या फिर शुक्राणु यानी कि ओवम या स्पर्म लिखा रहता है तो उसमें आधे हो जाते हैं यानी कि 23 हो जाते हैं क्रोमोसोम, 23 मेंशन नहीं है तो डी नॉन ऑफ दी अबव जो है वो आपको यहाँ पे टिक करना है। तो आपका यहाँ पे डी नॉन ऑफ दी अबव जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। एनओटी विट्टू चौधरी बिल्कुल, यहाँ पे एनओटी डी जो है वो आपको टिक करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, Which from the following town is not देखिए क्वेश्चन आप पढ़िए वहां पे, गोल्डन ट्राइंग गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुना है आपने जिसमें चार शहरों को जोड़ा गया था, चार जो मेन शहर हैं हमारे इंडिया के, दिल्ली कोलकाता मुंबई और चेन्नई, ठीक है। अब इसके ऊपर पूरा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पूरा एक रोड बनाया था जो स्क्वायर में बना था, इसलिए हम इसको क्वाड्रिलेटरल बोला, इसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बोला। इसमें चार सिटी, चार ये मेन जो स्टेट्स हैं उनको लिया गया, सिटीज को लिया गया। अब इनमें से ना इनके शहरों को जोड़ा गया जो मेन शहर है, और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इसलिए बनाया गया था ताकि इंडस्ट्रियल एरिया और एग्रीकल्चरल एरिया जो है ना उनको जोड़ के रखा जाए और एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से ट्रांसपोर्टेशन या फिर क्रूड माल, कच्चा माल जो जाना है वो फटाफट से ट्रांसफर हो। अब आपको बताना है इनमें से कौन सी ऐसी शहर है जो नहीं जोड़ा गया था। तो यहाँ पे देखिए, अजमेर, अहमदाबाद, जबलपुर और गया, चार स्टेट्स आपको लिखी हैं, तो इनमें से कौन सी को नहीं जोड़ा गया था ये बताइए कि कौन सी को नहीं जोड़ा गया था। तो आपको याद रखना है बिल्कुल गया, जो लोग आंसर दे रहे हैं आशीष चौधरी, गया बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई को जोड़ा गया था, टोटल इसकी जो लंबाई थी वो तकरीबन 5,846 किलोमीटर की इसकी पूरी लंबाई है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की, और NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये बनाई गई थी, इसमें गया को इंक्लूड नहीं किया गया था। तो डी जो है ना वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ पे, हु इन्वेंटेड द वीडियो टेप, इन्वेंशन, बुक्स, ऑथर्स, ये तीन क्वेश्चन हैं जो फिक्स हैं। इन 50 में से आपको इन्वेंशन एक पूछी जाएगी, किसने क्या आविष्कार किया, ऑथर के ऊपर आएगा किसने कौन सी किताब लिखी, या फिर किसी पोइट के ऊपर या इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो इन्वेंशन के ऊपर आपका एक क्वेश्चन रहेगा, ये जो यहाँ पे दिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हु इन्वेंटेड द वीडियो टेप, तो वीडियो टेप का आविष्कार किसने किया। तो आपकी एक सेपरेट क्लास होगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ डिस्कवरी, इन्वेंशंस, किसने की डिस्कवरी, ये सारा पाठ हम करने वाले हैं। तो अब आपको नॉर्मल तो पूछी नहीं जाएगी, एरोप्लेन किसने बनाया, टीवी किसने बनाया, बल्ब किसने बनाया, कुछ हटके चीज़ें पूछी जाती हैं। तो वीडियो टेप की अगर हम बात करते हैं, रिचर्ड जेम्स
चिनास गिनवर्ग जो आपको ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं वीडियो टेप के लिए, चार्ल्स गिनवर्ग, पीटी फ्रेंड्स वर्क, जॉर्ज डी मेस्ट्रल। तो आपको याद रखना है चार्ल्स गिनवर्ग जो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन है ना वो बिल्कुल करेक्ट है आपका। तो तुक्के नहीं मारने हैं, ठीक ठाक जो आपको करेक्ट आंसर जो है ना वो बिल्कुल देखना है यहाँ पे। तो तुक्के मारने वाला टाइम चला गया है, CVT 1 था, RPF एग्जाम का लेवल थोड़ा आप होता है तो तुक्के ना मार के चीजें आप सही से बताया करो, ठीक है। शशि कुमार बिल्कुल, रिचर्ड जेम्स आंसर नहीं करना है, वन आपको, बी जो ऑप्शन है चार्ल्स गिन्सवर्ग जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, मेरे देखो इनको आज क्वेश्चन दिखाने का मेन मकसद ये है कि आपको ये समझ आए कि आरपीएफ के जो 50 क्वेश्चन आपको पूछने जाने वाले हैं ना जनरल अवेयरनेस के, उन 50 क्वेश्चन में से आपको क्या क्या किस तरीके से किस लेवल का पूछा जाता है तो उस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ पे, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कोर्ट्स एंड देयर जजमेंट। किताबों के ऊपर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑथर्स पूछे जाते हैं, तो कोर्ट्स और कोर्ट्स एंड देयर जजमेंट, और इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करेंगे क्योंकि उनकी किताब का नाम इंग्लिश में था तो वह इंग्लिश में ही रहेगा। कोर्ट्स एंड देयर जजमेंट पुस्तक के लेखक कौन थे बताइए, अरुण सूरी, जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर, एफ एस नरिमम और राम जेठ मलानी। आरपीएफ में आपकी नेगेटिव मार्किंग होगा, आरपीएफ में होती है नेगेटिव मार्किंग। ओके राइट, टोटल अभी तक देखो जिन लोगों ने अभी हमारे साथ जुड़ा है ना उनके मैं बता देती हूँ, टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 35 मैथ्स के, 35 आपके रीजनिंग के और 50 क्वेश्चन आपको जनरल अवेयरनेस के पूछे जाएंगे जिसमें हर एरिया जो है साइंस आपको पता है ना पूरा एक समुद्र है, मतलब जनरल अवेयरनेस अगर हम बात करते हैं तो ये एक पूरा समुद्र है। अब इस समुद्र में से ना आपको कौन कौन सी चीज़ें एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं उनको उठा के मेरे ख्याल टारगेट पढ़ाई थोड़ी सी करेंगे ताकि आपके 30 से 35 जो है ना वो यहाँ पे मार्क्स बन सकें। तो आपकी जो यहाँ पे आपको याद रखना है अरुण सूरी जो काफ़ी फेमस लॉयर हैं अरुण सूरी, और ये पॉलिटिक्स से भी रिलेट करते हैं अरुण सूरी, उनकी किताब है ये लिखी हुई कोर्ट्स एंड दियर जजमेंट, ठीक है। तो बुक्स एंड ऑथर का आपको एक अलग क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। अगला देखिए अगला क्वेश्चन देखिए संजय बिल्कुल, अरुण सूरी जो है वो करेक्ट आंसर है इसमें। अगला देखिए क्वेश्चन, व्हाट इज दी ऑर्गेनाइजेशंस इंट्रोडक्टरी वेब पेज कॉल्ड। ये तो मेरे ख्याल सबको पता होगा, यहाँ पे जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हो मतलब लैपटॉप कंप्यूटर कुछ भी ऑन करते हो तो एक संगठन के प्रारंभिक वेब पेज को क्या बोला जाता है। जैसे कि आपने बोला कि मुझे ये इस पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट का ओपन करना है पेज, तो आप उसको क्या बोलोगे। आपको वाईफाई स्टडी का पेज ओपन करना है तो उसके लिए आप क्या टर्म यूज करोगे, होम पेज, पोर्टल, वोटल या वेबसाइट। अमित पांडे जी, मैंने आपको पहले ही चीज़ें क्लियर कर दी हैं, उसके बाद भी ऐसे क्वेश्चंस मत करो प्लीज़ करके आप लोग। मैंने क्या बोला है, अगले 3 या 4 दिन सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। अब उसमें चाहे बच्चों वाले क्वेश्चन पूछे हो चाहे बूढ़ों वाले क्वेश्चन पूछे हो, ये चीज़ बाद की बात है ना, पहले तो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें तो आप करो। देखो किसी भी एग्ज़ाम को निकालने का मेन पॉइंट या मेन चीज़ ये रहता है उस एग्ज़ाम में पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कितने क्वेश्चन किस एरिया से पूछे जाते हैं ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, उस एरिया से किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको याद रखना है यहाँ पे। ओके राइट, पहली चीज़ तो ये कि इसको होम पेज नहीं वेबसाइट बोलते हैं यहाँ पे, जो आपका फोर्थ ऑप्शन रहेगा ना उस वो आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। होम पेज क्यों वेबसाइट करके बोला जाता है कि उस साइट पे जाओ, सुप्रीम कोर्ट की साइट पे जाना है, वाईफाई स्टडी की साइट पे जाके ओपन करिए आप चीज़ों को, इसको वेबसाइट करके टर्म किया जाता है, राइट। अगला देखिए क्वेश्चन, विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी नेवर रेस्ट। मानव शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो कभी भी आराम नहीं करता है, कौन सा रहेगा। वेबसाइट होम पेज नहीं वेबसाइट करके बोला जाता है। आपको
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट ओपन करनी है, सुप्रीम कोर्ट का होम पेज ओपन करना नहीं बोलते ना, वो तो आप उस साइट में जाओगे उसके बाद होम पेज आपको दिखाई देता है। होम पेज क्या होता है, आप उसके साइट पे गए, उसको ओपन किया, उसके बाद वहाँ पे जो होम पेज दिखाई देता है आप उसको ओपन करते हो, ना कि कुछ और जो वहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है। तो इसको सबसे पहले वेबसाइट बोलते हैं, फिर उसके बाद चीज़ों को बोला जाता है। देखो ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है ना, हार्ट किसके लिए टर्म करते हैं, मतलब हमारे शरीर का ऐसा अंग जो हाँ कभी आराम नहीं करता है, 24/7 काम करता है, तो हार्ट जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चंस आपको क्लास में कराए भी हुए हैं, तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे हार्ट जो है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, स्नेक्स एंड वल्चर्स आर ईटिंग रेट्स इन अ फील्ड। थोड़ा ध्यान से पढ़ना है आपको ये क्वेश्चन, ये लॉजिकल रीजनिंग तो नहीं मैं बोलूंगी, लेकिन ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है थोड़ा सा, तो रीजनिंग भी अप्लाई करनी पड़ेगी, साइंस भी अप्लाई करनी है और एनवायरनमेंट भी अप्लाई करना है यहाँ पे। तो टर्म यहाँ पे हमने बोला कि अगर किसी भी फील्ड के अंदर सांप और गिद्ध, ठीक है, चूहे खा रहे हैं, उसी फील्ड के अंदर अगर जंगली कुत्तों को मैदान में छोड़ दिया जाता है तो तत्काल परिणाम क्या होगा। और क्वेश्चन में साफ से पढ़िएगा, इमीडिएट रिजल्ट लिखा है, जहाँ पे सांप, चूहे और गिद्ध तीनों चीज़ें हैं और वहाँ पे कुत्तों को छोड़ दिया है, वाइल्ड डॉग्स को छोड़ा है, तो सबसे पहले उसमें क्या आएगा, सांपों की संख्या कम होगी, गिद्धों की संख्या कम होगी, चूहों की संख्या कम होगी या सांपों की संख्या में वृद्धि होगी। और हाँ एक चीज और देखिए, आगे भी आप लोग क्लासेस अटेंड करने वाले हो, जब आप लोग आंसर करते हो ना तो ये 1, 2, 3, 4 की जगह ना थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ा सा मेहनत करके ना क्या करना है, उसका आंसर का ऑप्शन लिखना है। हार्ट लिखा है तो HEART लिखना है, ठीक है, 4, 4, 4, 4 नहीं लिखना, क्योंकि फिर समझ नहीं आता है, अगर ऊपर वाले आंसर भी 4 ही है और अगला जो आंसर है ना वो भी 4 ही है, तो किस चीज़ का आप आंसर दे रहे हो, तो समझ नहीं आता है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे इस चीज़ को लेके जो आंसर है उसको आप लिखना। ओके राइट, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये आपका इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे कि हु ईट्स हुम, एक डेफिनेशन होती है फूड चेन में, हु इज ईटन बाय हुम करके एक डेफिनेशन आती है, जैसे कि ग्रास है, ठीक है, घास है यहाँ पे, उसके अलावा डियर है और उसके अलावा लॉयन है, तो घास को कौन खाता है, हिरन खा लेता है, और हिरन को कौन खाता है, लॉयन खा लेता है। अगर इसमें से हमने हिरन को बिल्कुल से हटा दिया तो क्या होगा, घास की संख्या बढ़ेगी और लॉयन की संख्या जो है वो घटेगी, ये चीज समझ आ रही है, क्योंकि यहाँ पे डियर है ही नहीं तो घास को खाने वाला कोई नहीं है, लॉयन का खाना खत्म हो गया है, तो जो शेर है ना उसकी संख्या कम होगी लेकिन घास की संख्या बढ़ेगी, उस तरीके का ये कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे। और इसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा डिक्रीज इन दी नंबर ऑफ रैट्स, चूहों का नंबर जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि अब जो वहाँ पे तीन लोग मौजूद है ना, स्नेक भी, वल्चर भी और डॉग्स भी, तीनों के तीनों का फूड क्या है, रैट्स है, तो रैट्स का जो नंबर होगा ना, चूहों का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। अब यही क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, वल्चर से रिलेटेड IAS में एक क्वेश्चन पूछा था 3 या 4 साल पहले, और उसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके ना यूपीएससी ने अपना कोई ऐसा एग्जाम नहीं छोड़ा, वन डे एग्जाम, जिसमें वल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ना हो, ठीक है, कि इस टाइम भारत में गिद्धों की संख्या जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम हो रही है, मतलब एक्सटिंक्ट ही हो गए हैं, वो खत्म ही, विलुप्त होते जा रहे हैं जो गिद्ध हैं यहाँ पे, तो ये किस रीज़न की वजह से होता है, जो फार्मर्स जो है ना, किसान अपने खेतों में जो पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स इनको यूज़ कर रहे हैं ना, उसकी वजह से गिद्धों की संख्या कम हो रही है। अब इसी चीज़ को यूपीएससी ने घुमा फिरा के क्या बहुत बार पूछा है, तो आपको नहीं लगता कि RPF भी ऐसे क्वेश्चंस को घुमा फिरा के पूछने वाली है, डेफिनेटली पूछने वाली है, तो इन टाइप के क्वेश्चंस को थोड़ा सा याद रखना है, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ रेड्स जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ पे, ओके ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मेरे ख्याल यहाँ पे ये क्वेश्चन सबको पता होगा, लेकिन थोड़ा सा आंसर इसको ध्यान से दीजिएगा।
अगर हम यहाँ पे राज्यसभा की बात करते हैं, पॉलिटी से 11 से 12 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और पॉलिटी में आपको ना एक्सटेंसिवली बहुत अच्छे से कवर कराने वाली हूँ, ताकि 12 में से 8 या 9 क्वेश्चंस आपके हाथ में हो, किस तरीके से करने राज्यसभा को भंग करने में सक्षम कौन है, अध्यक्ष राज्यसभा का, राष्ट्रपति, संसद का संयुक्त सत्र या फिर कोई भी नहीं। तो राज्यसभा और लोकसभा, जैसे कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर से एक क्वेश्चन आपको पूछा जाने वाला है, हर बार पूछा जाएगा, उसी तरीके से राज्यसभा और लोकसभा के ऊपर एक क्वेश्चन हर एग्जाम में, जिसमें कि 50 क्वेश्चन आ रहे हो, ठीक है, और 12 क्वेश्चन पॉलिटी के हो, तो एक क्वेश्चन तो बनता है लोकसभा राज्यसभा का। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो क्या रहेगा आपका, रितेश दुबे, बिल्कुल यहाँ पे जो आंसर है आपका, ये आंसर आपका, माना कि ज्यादातर आंसर प्रेसिडेंट अगर ऑप्शन है तो प्रेसिडेंट ही आंसर होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि जो हमारा राज्यसभा होता है ये परमानेंट बॉडी है, स्थाई है, ये इसको कोई भी भंग नहीं कर सकता है। चौथा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, नन, मोनिका, बिल्कुल कोई भी इसको भंग नहीं कर सकता है, नन ऑफ दी अबव। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ दी अबव के लिए। तो इस तरीके की कुछ चीजें आपको लर्न करनी है, जैसे कि राज्यसभा है उसका अध्यक्ष कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो उसका अध्यक्ष होता है, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो इसका अध्यक्ष होता है, 250 जो सीट्स हैं वो इसकी करूंगा। यहाँ पे 250 जो है वो राज्यसभा की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, और अभी एट प्रेजेंट 245 सीटें भरी हुई हैं, और आपको याद रखना है पूरी की पूरी राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है, 1/3 जो इसके मेंबर होते हैं उनको हर 2 साल में रिटायर किया जाता है, और 6 साल जो है ना वो इसकी वैलिडिटी, मतलब 6 साल तक जो हमारे कोई भी मेंबर्स हैं राज्यसभा के वो वहाँ पे नॉमिनेटेड रहते हैं, ठीक है। इस तरीके की चीजें आपको पूछी जाएंगी। एक अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, कि आपको इसमें से बताना है कि जो निम्नलिखित ये 4 चीजें आपको लिखी है ना, वो भारत के संविधान के हिसाब से ठीक नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय जो है उसने उसको मौलिक अधिकार बनाया हुआ है। तो गोपनीयता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, कानून से पहले समानता है, छुआछूत का उन्मूलन, या फिर संघ या संघ बनाने का अधिकार। बिल्कुल 1/3, 2 साल में रिटायर किया जाता है, 245 अभी एट प्रेजेंट है यहाँ पे हमारा। बिल्कुल 552, काफ़ी इंटेलिजेंट लोग हैं, सबका निकलेगा, RPF एंड CBT-2 भी सबका निकलेगा, बस थोड़ा सा आप लोगों को कनेक्टेड रहना है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोग आज की क्लास करा फिर आराम से नहीं करा तो चीज़ें थोड़ी सी मिसअंडरस्टूड हो जाएंगी, क्योंकि आगे की जितनी क्लासेस होने वाली हैं उसका पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार है कि भाई आगे आगे क्या कराना है, तो चीज़ें कोरिलेट ज़रूर करेंगी एक क्लास से दूसरी क्लास। हर क्लास में क्वेश्चन होने वाले हैं, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं करने वाली हूँ, हर क्लास के आखिरी में, खाली आज की क्लास को छोड़ के, है ना, खाली आज की क्लास को छोड़ के कल की क्लास से हर क्लास के आखिरी में एक बोनस क्वेश्चन होगा, जैसे बोनस मार्क्स, बोनस पॉइंट, दिवाली पे बोनस गिफ्ट, उसी तरीके से हर क्लास के आखिरी में मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी, बोनस क्वेश्चन का नाम देके उसको ना आपको अगली क्लास में सबसे पहले उसका आंसर बताना रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर दे दिया है आप लोगों ने, तो आपका यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी जो है ना, ये हमारे मौलिक अधिकारों में कहीं नहीं आता है, फंडामेंटल राइट हम करेंगे तो 14, 15, 16, 17, 18, 19, इनमें कहीं पे भी, 19 के 5 पार्ट्स ABCDEF सारा कुछ, इसमें कहीं पे भी राइट टू प्राइवेसी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से, सर्वोच्च न्यायालय के हिसाब से राइट टू प्राइवेसी हमारा राइट है, ठीक है। हम चाहें तो किसी को अपनी चीजें बताएं या हम चाहें तो नहीं बताएं, जैसे एक नॉर्मल सी सिचुएशन है, पूरे आर्टिकल में कहीं भी हमारे मौलिक अधिकारों में राइट टू डाई लिखा है, नहीं लिखा है ना, आपको मरने का हक भी नहीं है, ठीक है। मतलब एक चीज बोलते हैं ना,
पढ़ना तो है, चाहे रो के पढ़ो चाहे हंस के पढ़ो, पढ़ना तो पड़ेगा नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी, ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा ना, तो हंस के पढ़ते हैं, है ना। उसी हिसाब से मरने का राइट नहीं है आपके पास, इसीलिए सुसाइड को क्राइम माना जाता है, जो लोग सुसाइड करते हैं उनको क्राइम माना जाता है ना। यूथनेशिया वर्ड आपने सुना होगा, एक मूवी भी आई थी इस पे, तो वहां पे जो एक फार्मर होता है वो मरने के लिए सरकार से परमिशन मांगता है, उसी तरीके से राइट टू डाई नहीं है हमारे पास, मरने का अधिकार नहीं है, राइट टू लिव है ना, राइट टू लिव है लेकिन राइट टू डाई नहीं है। तो ये सारी चीजें थोड़ी सी आपको समझनी है, राइट टू प्राइवेसी जो है वो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे ये वाली पार्ट क्लियर है, इतनी चीजें क्लियर है, क्वेश्चंस के लेवल आपको समझ आए, लेवल में प्लस माइनस कभी भी जीके के क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा नहीं होता है। अपर जैसे आपको यहाँ क्वेश्चन है, राज्यसभा भंग नहीं होती है तो नहीं होती है, इसका लेवल कुछ घट सकता है ना, घट सकता है ना बढ़ सकता है, इसी तरीके के क्वेश्चन मैं आपको कवर कराने वाली हूँ, है ना। अब यहाँ पे एक चीज, ठीक है, क्लासेस जो आपकी शेड्यूल्ड हैं, जैसे 12 बजे ये क्लास होने वाली है या जो भी आरपीएफ की क्लासेस हैं, वो आपकी जैसी चलती हैं वैसी ही चलेंगी, जैसे पहले जितने जोश के साथ कराया जाता था ग्रुप डी का, या फिर उससे भी पहले जो सिलेबस कराए हैं आपको एग्ज़ाम टारगेटेड करके वो कराए जाते थे, आगे भी कराए जाएंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको ऐड करना है कि प्लस कोर्सेज, है ना, आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है सारा, आप वहाँ पे चीज़ें देख सकते हो। तो आपको यहाँ पे ना प्लस कोर्सेज भी ऐड किए जा रहे हैं, इन क्लासेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे चल रही हैं वैसी ही चलेंगी, वाईफाई स्टडी आपके साथ है, है ना, पहले भी था आगे भी रहेगा। तो इस चीज़ का लोड मत लेना कि भाई यहाँ पे कुछ फर्क पड़ेगा कंटेंट में, किसी भी चीज़ में कोई चीज़ नहीं होगी, क्लासेस एकदम आपकी बेस्ट ऑफ बेस्ट चलेंगी। लेकिन बस एक एडवांटेज प्लस, देखो एक ठहरी हुई पानी में भी खराब हो जाता है ना, पानी भी काफ़ी टाइम ठहरा रहे तो वो खराब हो जाता है, उसी तरीके से कुछ चेंजेस लाना चाहिए डार्विन के हिसाब से, मेंडल के हिसाब से, साइंस के हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी, मेंडल के हिसाब से भी, इनफैक्ट डार्विन इतना बड़ा साइंटिस्ट उसने भी बोला चीज़ें बदलनी चाहिए, है ना, एक जगह टिकनी नहीं चाहिए। तो ये तो आपका चलेगा चलेगा, प्लस कोर्सेज उन लोगों के लिए जिनको ना एक्स्ट्रा अटेंशन चाहिए होती है, या बिल्कुल प्लानिंग करके करना होता है कि कल ये तो ये डेफिनेटली, ठीक है। तो उस तरीके के आपको ना प्लस कोर्सेज हैं यहाँ पे, एक बार आप चीज़ों को गो थ्रू करिए, प्लस कोर्सेज आपके आरपीएफ के लिए, सीबीटी 2 के लिए, वीडियो के लिए, ये सारी चीज़ें हैं। अब एडवांटेज सिर्फ इतना हो जाएगा आपको कि डाउट क्लासेस रहेंगे और पर्सनल अटेंशन, देखो बाकी जैसे भी चीज़ें हैं वो कॉमन है, सारे टीचर्स ने बताया आपको, मैं वही बता रही हूँ। मेरे हिसाब से जो बेस्ट पॉइंट है ना प्लस कोर्स का, वो है डाउट सेशन और एक पर्सनल अटेंशन। घर में भी तीन बच्चे होते हैं ना, अगर आपके सिबलिंग्स भी हैं तो आप चाहते हो कि पेरेंट्स आपको अलग से एक अटेंशन दें, है ना। एयरपोर्ट्स में और रेलवे में क्या फर्क पड़ता है, एरोप्लेन में पर्सनल अटेंशन मिलती है ना, रेलवे का किराया एरोप्लेन का किराया भी बराबर ही है, लेकिन एरोप्लेन में ना पर्सनल अटेंशन मिलती है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर गवर्नमेंट के अच्छे होते हैं ना, एम्स में भर के बढ़िया, लेकिन पर्सनल अटेंशन की कमी हो जाती है। तो बस पर्सनल अटेंशन जो है वो थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे आपको याद रखना है, तो उसी की वजह से आपके प्लस कोर्सेज हैं। आरपीएफ का एक टारगेटेड प्लस कोर्स बनाया गया है जिसमें कुछ 30 डेज के अंदर आपको पूरा सिलेबस कम्प्लीट कराया जाएगा, क्लासेस के साथ, पेपर्स के साथ, जो भी आपके मॉक टेस्ट हैं, एक पर्टिकुलर मॉक टेस्ट होगा आपका, 5 या 6 आपके उसमें मॉक टेस्ट रहने वाले हैं। डाउट सेशन तो होगा, यू कैन रेज योर हैंड, जैसे कि आपको यहाँ पे लगता है कि मुझे नाम चाहिए, नाम करना है और ये सारी नाम बोलो मैडम जी, नाम बोलो करके, तो वहाँ पे एक पर्सनल अटेंशन होगा आप लोगों के लिए। मेरे ख्याल ये सारी चीज़ें ठीक है ना। बाकी आपकी जो क्लासेस यहाँ चलती हैं वो नॉर्मल चलने वाली हैं, तो बस ज़्यादा अच्छे से आपको तैयारी करनी है, डबल डबल चीज़ें पढ़ना है, तो उसके लिए आपका वहाँ पे प्लस कोर्स। बाकी जो चीज़ें हैं क्लासेस बाकी की कल कंटिन्यू करते हैं, इसी से रिलेटेड, मतलब जो आपका टॉपिक है इसको कल से पूरा प्रॉपरली रिलेट करते हैं। आज मेरे ख्याल आपको लेवल, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाएंगे, ये सारी चीज़ें जो है ना वो समझ आ गई होंगी, ठीक है। राइट, ट्राई यही रहेगा कि इस क्लासेस में भी आपको बेस्ट ईयर मिलेगा, तो क्वेश्चंस को कल से स्टार्ट करते हैं। तो आज के लिए आपको इस सेशन को लाइक करना है, कुछ भी ऐसे कुछ अलग सा कोई डाउट होता है जो शायद मे बी इस क्लास में मैं आपको कन्वे ना कर पाई हूँ, तो वो डाउट्स आप कमेंट बॉक्स में लिख के चीज़ों को पूछने के लिए, बाकी कल की क्लास में वापस इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं।
आज के सेशन को आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चंस हो वो कल आप वापस से पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कितना भी आप कैसे भी पूछिए, ठीक है। पर अपने डाउट्स को डाउट्स नहीं रहने देना है, इतना सारा चीज़ें आपके लिए प्रोवाइड करी गई हैं। तो अब तो लाइक ये नॉर्मल क्लासेस के अलावा प्लस कोर्सेज भी हैं, कमेंट बॉक्सेज भी हैं, सारी चीज़ें हैं, तो यू कैन आस्क योर डाउट एनीवेज, राइट। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।